अपने को हम 90-100-95 ले रहे तो हम तो सुनना मान रहे भाई, ये सच्चाई है। क्या भी कहता रही 20 की 100 है। अब सुनो, इसमें मसला ही क्या है, हमारा भी मेन मकसद यही है कि हम छोटी सोन से इसमें मिट्टी चढ़ा लें, 8-10 इंच भी खूड हो जाऊड होते ही इंगे से मिट्टी इंगे आ जाए, इंगे से इंगे चौड़ाई 5-4.5 फीट हमें मिल गई। अच्छा। ठीक, हमारा छोटा सोन जिसमें काम करो जाएगी नहीं बंद भी जाएगी, नहीं एक चीज ये बन जाएगी, अगर ना ये आपस में बंधवा दो या खुला भी रखो, नहीं भैया खुला भी रखो, गिर भी जा तो यो इसी हिसाब से गिरेगी, हवा तो बीच में पार हो जा कि एक उस स्टेज पे गिरेगा गन्ना, जिस टाइम गन्ना गिरने से नुकसान नहीं है, अब रस में तो बिकना नहीं, अगर गन्ना बंद गया तो रस में नहीं बिका, तो अगर ये खुला गिर भी गया तो किसान का नुकसान नहीं होने का, उसमें भी बिल्कुल नहीं होने का किसान का नुकसान। तो फिर 2 फुट का गैप है, गैप दे दिया, ये चकोर पीट है जी, रिंग पीट की जगह चकोर पीट, फुटाव तो हो गया बढ़िया चल रही फुट का। यो हमने छोल लगाई थी इसमें 22 16 जनवरी। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाचो फेसबुक पेज पे। तो भाइयों आज मैं पहुंचा हूं कुसावली गांव में, और कुसावली गांव में अमित भाई की मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, जिन्होंने रिंग पिट को चकोर पिट में करके, एक मित्तल वालों का ट्रेंचर है इनके पास में, जिसके द्वारा डबल लाइन ट्रेंच द्वारा गन्ने की बुआई कर लो, चाहे इस तरीके से बुआई कर लो जिस तरीके से इन्होंने रिंग पिट को चकोर पिट में बदला, तो वो ट्रेंचर मतलब पूरे अच्छी तरीके से डिजाइन करके बनाया गया। तो आज मेरे साथ में भाइयों पुष्पेंद्र भाई मसूरी भी है, और उनके साथ में उनके भैया जी हो गए गुड्डू भाई, और एक उनके चाचा जी है, ठीक है जी। तो आज का विषय भाइयों यही है कि गन्ने की बुआई जो हम सिंगल लाइन से जैसा कर रहे, और वैरायटी अभी कोई चल नहीं पा रही, 0238 में बीमारी आ रही, तो 60 इंची पे कहीं ना कहीं किसान का उत्पादन घट रहा, तो उसी को लेकर अब की बार में पुष्पेंद्र भाई भी सोच रहे कि हम डबल लाइन ट्रेंच कर दें। तो मित्तल वालों ने एक ट्रेंचर बनाया जिसमें इन्होंने 9-10 इंच का गैप दिया डबल लाइन का, तो वो अमित भाई के पास में था, तो आज यहाँ पहले तो उसे देखने आए थे, फिर इनके चक पे आ गए, अब ये गन्ना देखने के लिए आए। तो मेरे बहुत सारे भाइयों के फ़ोन आ रहे थे मेरे पास में कि अमित भाई के गन्ने का एवरेज क्या आया इसका चकोर पीट का, और इसमें जो इन्होंने पेड्डी का प्रबंधन करा वो किस तरीके से करा, तो सारी कुछ वीडियो में चर्चा होगी। तो मैं आज कुसावली गांव में पहुंचा हूं अमित भाई के पास में, तो काफ़ी भाई ये भी कह रहे थे कि पुष्पेंद्र भाई की वीडियो नहीं आ रही, तो आज उनसे भी मिलवाऊंगा आपको, और चकोर तो कुदो जा आज बहुत दूर आए, क्या साला मशवरा कर रहे भैया, ट्रेंच का यही है थोड़े 38 तो खत्म होने लग रहा। हाँ जी, हाँ जी, और ये है भाई गन्नों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए सिंगल लाइन से। हाँ जी, हाँ जी, तो कुछ मित्तल वाले बना रहे हैं डबल लाइन वाला। हाँ जी, हाँ जी, तो उसका देख रहे हैं कि भाई गन्नों की संख्या बढ़े तो लिखाड़ बढ़ जा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो हमें अमित भाई का पता चला था कुशावली में। हाँ जी, हाँ जी, मित्तल वालों के यहाँ से जी, तो आज यहाँ आए इनसे सलाह करने, इनका ट्रेंचर देखने आए थे जी जी जी, इसे देख के फिर अपना ही बनवाएंगे। सही बात है जी, तो इनका जैसा ये चकोर पिट वाला जी ठीक लगा ना इनका तो मॉडल, अब जो देखने में तो लिकाड़ विकाड़ अच्छा बता रहे भाई हमारे। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन यो है कि ये तो कर रहे मेहनत करके आप नहीं हो पा, बोता हुआ करेंगे दिखाएंगे, आप वीडियो बनाइए बोते हुए की। हाँ जी, हाँ जी, तो भाई किसान देख के भी सीखा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। तो भाइयों अभी, हाँ जी, राम राम जी, राम राम जी, नाम बता दो जी एक बार थोड़ा। नाम मेरा सुधीर है। अच्छा अच्छा, गांव मसूरी है, मसूरी। तो आप भी देखना है क्या क्या कर रहे हैं? हम भी देखना है किसकी की विधि से बो रहे हैं ये। आप तो शादी विधि से लग रहे हैं। हम तो शादी विधि के बो रहे थे अब लो। हाँ जी, हाँ जी, हम भी इनकी भाई पुष्पेंद्र की गैल आ गए। अच्छा अच्छा, मगा भाई हम भी सीख ले कुछ। हाँ सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। और भाई आप भैया जी से मिलवा, क्या हाल है जी? बस बढ़िया। तो कहाँ गायब हो गए, मतलब दरअसल तो परेशान है भाई, कहाँ भेज दिए? देखो कहीं आपके साथ ही रह रहे। बिल्कुल बिल्कुल, भाई का देखा था आपने वीडियो बनाई थी। जी जी जी, तो 38 फेल। हाँ बिल्कुल, मेरे हिसाब से ट्रेंच भी फेल। हाँ जी, तो कुछ सिंगल लाइन 5 फुट। हाँ 5 फुट की बात करूंगा, मैंने वही बोई, एवरेज पर नहीं आ रहा आज। बिल्कुल बिल्कुल, कोई फायदा नहीं इतनी दवाई डालने से। हाँ जी, हाँ जी, तो अब ये सोच रहे कि
डबल लाइन देख ले, डबल लाइन देख ले, ये नहीं कि सारा बोवेंगे, थोड़ा बहुत बो के देखेंगे जी, जी। तो भाई के पास डबल लाइन का ट्रेंचर था, वो ट्रेंचर देखना है, तो फिर भाई के खेत पे आगे खेत, बिल्कुल बिल्कुल, पर बदलाव तो करना पड़ेगा भैया। रही मित्तल वालों की बात, हाँ जी भाई, ट्रेंच के हिसाब से, हाँ जी, टेक्नोलॉजी तो लिया हुआ है, हाँ, पर माल नहीं लगाते, माल नहीं लगाते, सही बात है, वेल्डिंग वैसे लगा हुआ है, छुट छुट जा रहा है, सही बात है, ठीक है, कुछ ना कुछ संशोधन करवाऊंगा भैया, रोड वोड बदल लो, वेल्ड बढ़िया करो, सही बात है, अच्छा। तो भाइयों अब मैं अमित भाई से मिलवा दूं एक बार, तो क्या हाल है अमित भाई? नमस्कार राहुल भाई। नमस्कार जी। तो भैया इस खेत के बनने गन्ना पौधे की वीडियो बनाई थी, दो बार आपकी वीडियो बनी, काफी भाइयों के कमेंट और फोन आए, जो गन्ना आपने डाला जैसा जी जी, क्या एवरेज इसका लगभग? देखो राहुल भाई, यानी आपको समय नहीं लग पाया, मैंने दो बार फोन करा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब तुमने सकुत्ती वाली वीडियो बनाई थी, हाँ जी, पर गड्ढे का एवरेज करने के लिए, हाँ जी, वो आपका यानी समय नहीं लग पाया, हाँ वो समय नहीं लग पाया, लेकिन आपने तो कर लिया था ना, तो वो भी बता दो, कोई बात नहीं। अभी मैं बता रहा हूँ, ये 4.25 बीघे के हेरफेर में खेत है, ठीक है जी, 423 क्विंटल गांडे लिखड़े, वो भी अपनी छोल में, अच्छा, पशुओं का चारा करा, अगर वो ठेकेदारों पे छुलती, हाँ, तो ये 115 के हेर फेर में पक्का खेत जाता, इससे कम नहीं जाता जी जी, मतलब जैसे इतनी बीमारी आपका तो खेत 50 ही ना कूद रहे, 50-60 पर नहीं जाता, हाँ नहीं है ना जी, हाँ देखो बीमारी तो यानी आई, पर यानी हम जितना हो सका कंट्रोल हुई, ठीक गन्ना हुआ, बढ़िया बढ़िया हुआ, हाँ। तो आगे क्या इरादा, मतलब इसमें फिर वो इसी तरीके से करने का? मैं तो देखो टोटल पहले 4-5 साल पहले 1.5-2 बीघा बोई थी, अब तो सारी ऐसी है, आगे तक जब तक सही चलता रहेगा यही बुआई का, बिल्कुल ठीक है जी, और एक छुटमुट किसान जुड़ते भी जा रहे, गांव के भी 10-5 जुड़ गए, बिल्कुल ठीक है जी। तो अब की बार में भाइयों देखो, जो कंफ्यूजन आपका रह गया था, जो जानकारी हम नहीं दे पाए, वो तो भैया की 2-3 दिन पीछे बुआई चलेगी गन्ना बुआई, उसमें हम आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। 2 दिन बाद करोगे कितने? हाँ ये मान लो 22 या 23 तारीख को पहला खेत बोया। हाँ जी, हाँ जी, तो वो आपके बारे में बता रखी ना। हाँ हाँ बिल्कुल, बारिश के बाद देखें। तो वो बुआई की वीडियो बनाओगे, जिसे भाई को रिंग पिट लगाना, रिंग पिट से चकोर पिट पाना, तो भाई की वीडियो देखे, बिल्कुल सारा खेल समझ में आ जाएगा आपके, बाकी का एवरेज भैया जी ने बता ही दिया। अगर इसमें बात करें गन्ना पेड्डी की, प्रबंधन की, पेड्डी तो देख लो अब तुम इसा, हाँ यानी जनवरी में छोल के भी आप लोग जाके देखो कितने जबरदस्त फुटे रहा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ जी। तो भाइयों एक तो बैल इनके पास में, देखो पीछे जो था इन्होंने उसक रखी, और इसमें जो है बलकटी से गहरी कटिंग करी बस, है ना, RMD की भी कोई जरूरत नहीं है। अब तुम देखो बहुत कम फुट दिख रहे होंगे, जो नीचे से काट रखा, 2 इंच नीचे से गहरे निकाल दिए जी जी जी। तो अब इसमें जैसे फुटाव होकर आ रहा जी, इसका आगे का प्रबंधन क्या करोगे? मतलब बस इसमें प्रबंधन तो यो है, अब देखो बारिश की स्थिति है, हाँ जी, मूली इसमें मूली की बोने का विचार है पक्का। अच्छा मूली लगा, हाँ, अगर बारिश ज्यादा हुई, हाँ जी, हाँ जी, जो नॉर्मल हुई तो मूली लगेंगी, अगर बारिश ज्यादा होगी अच्छा तो फिर मूली नहीं लग पाने की, बस फिर तो इसे जोत के, और जहाँ जैसे ये मान लो 1.5 फुट की हुई और इसमें 30-35 गन्ने हुए, गैल मट्टी चढ़ा कर बस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ, और कुछ देखो रिंग पिट में मैं एक बात कह रहा, जो परेशानी है, हाँ जी, हाँ जी, वो केवल बो के पानी देने तक है, उसके बाद फ्री टेंशन की खेती तो रिंग पिट, रिंग पिट। अब इसमें देख लियो पेड्डी में क्या करना? नहीं आप रिंग पिट नहीं, आप तो इसे चकोर पिट बताओ, रिंग पिट में तो गड्ढे जोड़ने की समस्या, हाँ, में तो सारे काम खत्म है, तो अब क्या बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बिल्कुल सारी व्यवस्था बना के एक वीडियो जब बनाओगे किसानों के लिए, जिससे उन्हें जानकारी मिले, एवरेज लगभग आपका बहुत अच्छा आया, क्योंकि 0-10 सामने खेत खड़ा है, 30 साल की पेड्डी छूटेगी। अच्छा 30 साल की, इसमें 3-4 साल तक आप पेड्डी भी रख सको, है ना? ये पेड्डी है जी जी। और मैं इसे अब पहले बोर्ड क्यों छोड़ रहा, क्योंकि मुझे उसकी भी पेड्डी रखनी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पेड्डी की भी पेड्डी रखनी जी। तो भाइयों देखो अमित भाई ने ये जानकारी दे दी, बाकी की तो जानकारी हम 3 दिन बाद में वीडियो भैया की बनाओगे, आज तो एक मौका मुआयना करने के लिए आए थे भाई के साथ में, तो वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, कमेंट करके बताना। नमस्कार।